तो ये लो भैया, बहुत बेस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई तुम्हें बंदा बोल सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच के लिए। तंगड़े लेवल पे रीच करेगी बंदी। Alright, so hey guys, it's me Vinay and welcome to new vlog guys. तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली की सबसे बड़ी मशहूर फेमस कंप्यूटर मार्केट यानी नेहरू प्लेस। तो हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस अपना फर्स्ट गेमिंग पीसी बिल्ड करवाने। इससे पहले ना आज तक कभी कोई गेमिंग पीसी लाइक कोई पीसी बिल्ड तक नहीं करवाया, पीसी बस खरीदे हैं बिल्ड नहीं करवाया। तो ये मेरा फर्स्ट पीसी होगा जो जिसे मैं बिल्ड करवाऊंगा अपने आंखों के सामने। और मैंने सुना है कि नेहरू प्लेस में कंप्यूटर्स में अच्छी डील्स मिल जाती है, तो इसलिए मैं और हमारे जाएंगे पापा हमारे, तो हम जाएंगे नेहरू प्लेस। वहाँ पे देखेंगे कैसा रहा है कैसे नहीं, वहाँ के एक्सपीरियंस देखेंगे। क्योंकि भाई मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ऐसा कंप्यूटर बिल्ड करवाने, मतलब एक बार गया था, एक पार्ट था कंप्यूटर तब लेने गया था, वो तब से मैं भी जा रहा हूँ। तो मतलब फर्स्ट टाइम ही हो है, मैं समझ लो फर्स्ट टाइम ही है जब मैं अपना पीसी बिल्ड करवाऊँगा नेहरू प्लेस में, ठीक है। बाकी देख सुना है मैंने कि वहाँ पे भाई अच्छे मिल जाता है सामान वामान, तो देखते हैं। और बाकी जल्दी से जब ये गंदे हो रखे हैं जल्दी से रेडी होते हैं उसके बाद निकलते हैं, ठीक है। तो भाई अपन हो चुके हैं रेडी एकदम, ठीक है, नहा धो के सेट हो चुके हैं। और अपन ने बैंक से पैसे भी निकाल के लिए, देखो ये पैसा है अपना। तो मैं आपको एक बार बता दूं, अब मेरा जो है टोटल बजट है वो 35,000 रुपये से, सिर्फ एक रुपया खर्च नहीं करेंगे ऊपर हम, क्योंकि भाई बजट इतना है। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि 35,000 में हमारे पूरा पीसी बिल्ड हो जाए और मॉनिटर भी आ जाए साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो बिल्ड का जो कॉस्ट है मेरा 35,000 से ऊपर नहीं होगा, ये तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इतने इसके अंदर ही हो जाए तो ज़्यादा रहेगा। और बाकी ना सुना है मैंने कि वहाँ पे अच्छी डील्स मिल जाती है, बाकी किस्मत के ऊपर बात है भाई, किस्मत अच्छी होगी तो सुपर डील मिल जाएगी, नहीं तो बेकार है। क्या वैसे तो हमारी तो किस्मत शुरू से बेकार है भाई, क्या ही बोलूँ मैं आज किस्मत के बारे में, मतलब ना नहीं मतलब क्या बोलूँ, छोड़ो तुम किस्मत। अभी हम निकलने वाले थोड़ी देर में, एक्चुअली क्या ना हमारे जो मेरे पापा है तो पापा के साथ जाता हूँ, पापा के साथ जाता नेहरू प्लेस। तो पापा की जो स्कूटी है हमने सोचा था स्कूटी से जाएंगे, तो स्कूटी में कोई दिक्कत आ गई सडनली, तो उसी को दिखाने गए, वहाँ से आएंगे तो चलेंगे। पर बाकी तबीयत खराब हो रखी है भाई तुम्हारा, बाकी 6 दिन के बाद अब उठाऊँ मैं, अब वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आगे देखते हैं कैसे किससे जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे या स्कूटी से जाएंगे, वो जो होगा तब दिखाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं चलो। तो भाई अपन ना घर से नीचे आ चुके हैं, मतलब निकलने वाले हैं ऑलमोस्ट। और मैं बताया था कि अपन हम स्कूटी से जाएंगे, तो स्कूटी का क्या है ना ब्रेक व्रेक में दिक्कत आ रही है, तो ब्रेक लग नहीं रहे। और उसने बोला है मैकेनिक ने कि भाई टाइम लगेगा थोड़ा, तो आप वेट करो। और भाई हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एकदम वैसे इतना लेट हो चुके हैं और ऊपर से लेट होना नहीं है। तो अभी डिसाइड किया कि आप स्कूटी को ना जाकर हम जाएंगे मेट्रो से, तो यार मेट्रो पर अच्छी चीज़ है। बाकी ये खड़ी अपनी स्कूटी, पापा ने आगे ला के दोबारा खड़ी कर दी स्कूटी के, अभी शाम को निकली या कल निकली, कल जाके ठीक होगी। बाकी अभी हम जा रहे हैं मेट्रो से नेहरू प्लेस, ठीक है। और नेहरू प्लेस में मिलते हैं सीधा, या फिर पॉसिबल हो तो देखेंगे, जैसे होगा बताएंगे। तो अभी अपन आ चुके हैं मयूर विहार पॉकेट वन के मेट्रो स्टेशन, उसकी सीढ़ा चल रहा है, यहाँ से पकड़ेंगे हम पिंक लाइन सीधा वो नेहरू प्लेस फेंकेगा हमें, फिर वहाँ से देखते हैं कैसे क्या होगा। बाकी आगे पीछे पापा चल रहे हैं। पापा आज तुम पहली बार इतनी दूर जा रहे हो ना स्कूटी के बिना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पापा बिना स्कूटी ड्रॉप करना पड़ रहा है, पहली बार अपने लाल की। वरना अभी तक ना भाई स्कूटी होती थी इनकी और वही होते थे बस, क्या पहली बार जो मेरे साथ मेट्रो में जा रहे हैं। बाकी डांस टॉप लोगों को लेते हैं अपन, एक हो रहा जाओ लगाओ लगाओ जाओ जाओ अपन को जाना है यहाँ से। तो भाई हम ना सिर्फ 10 सेकंड लेट हो गए, हमारे जस्ट हमारे सामने से मेट्रो गई है, बहुत बुरा लगता था वैसे सामने से मेट्रो जाती ना, अब तो बहुत बुरा लगता भाई। तो बस 10 सेकंड लेट हो गए मात्रम, और जस्ट सामने से मेट्रो हुई, अब हम वेट कर रहे हैं दूसरी मेट्रो आने का, वो अराउंड 4 मिनट के बाद आएगी, वो तो 4 मिनट में ऐसे ही बैठे रहेंगे। बाकी भाई पॉकेट वन का जो ना स्टेशन मेट्रो स्टेशन बहुत शांत है, मतलब कुछ ही लोग हैं यहाँ पे, देखो आई थिंक कुछ ही लोग हैं बस। ये फुल वाइब क्या हुआ, थक गया क्या? अभी सही, अभी तो गए भी नहीं अभी तो। भाई क्या है ना पापा थोड़े पापा की थोड़ी एज हो गया, पापा थक गया अभी सही, सीधा वीडियो छंडने से उनको दिक्कत होगी भाई। तो फिर भी पापा पापा ने उन्हें
सीढ़ी से जाए, मतलब लिफ्ट बहुत है, लिफ्ट से चलो, बट नहीं हो तो अभी सीढ़ी से आगे फिर अभी हम वेट करें मेट्रो का, मेट्रो से आई वैसे पकड़ेंगे फिर नैर प्लेस से कोशिश करते हैं, नैर प्लेस से जाएगी सुबह डेयर, फिर कोई फालतू फालतू चीज़ें नहीं आऊँगा सीढ़ी से नैर प्लेस से। जस्ट सामने हमारा दिख रहा है गेमिंग पीसी वाला, ये ना मतलब नैर प्लेस में बहुत फेमस है गेमिंग पीसी वाला, तो अभी अपन वहाँ जाएंगे देखेंगे भाई क्या रेट मिलेगा क्या नहीं, मतलब पहली जो शॉप है वो गेमिंग पीसी वाले से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और उसके हिसाब से सारे देखेंगे इसकी अच्छी डील मिलेगी वहाँ से ले लेंगे अपन क्या। बाकी जो सामने देखो गेमिंग पीसी वाला देखो, ये है गेमिंग पीसी वाला। अभी ना हम ना जस्ट अभी गेमिंग पीसी वाले के शॉप से निकले हैं और वहाँ से हमें पोटेंशियल मिले कुछ ना, तो हाँ भाई और बाकी हम ना गेमिंग पीसी वाले से हमें थोड़ी पोटेंशियल ले लिए, उन्होंने मुझे विद ग्राफिक कार्ड 38 का बताया और विदाउट ग्राफिक कार्ड 36-37 का बताया। बाकी अभी हम और जगह देख रहे हैं, और जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं, मिल जाएगा तो देखेंगे। A few moments later. राइजन 56 GB के साथ बोला तो कितना लगेगा? सेम सिक्स जीबी रैम मैक्सिमम होनी चाहिए 512 और NVMe होनी चाहिए 56 GB प्रोसेसर होनी चाहिए। 56 GB का प्रोसेसर हो गया। 450 मदरबोर्ड हो गया। ठीक है। रैम कितनी चाहिए आपको? 6 GB। 16 GB रैम होगी। SSD होगी आपकी 512 करता हूँ। कैबिनेट 8GB और ग्राफिक कार्ड इसमें रखने? ये इसमें ग्राफिक कार्ड मतलब भाई पूछेंगे होंगे तो बताएंगे ग्राफिक कार्ड। SMPS कितने वर्ड में रखना आपको? इसमें अगर ये नॉर्मल लेंगे तो 450 कर दो इसमें। 450 हाँ। अच्छा इसमें हार्ड डिस्क नहीं भाई, एनवी में ले चलो 500 GB बहुत नहीं है। नहीं हाँ वो अलग रिक्वायरमेंट होता है। ये आपका 450 वोल्ट हो गया। ये आपका बैटरी है 28,350। अच्छा ये बिना बिना ग्राफिक कार्ड के? ये विदाउट ग्राफिक कार्ड है, राइजन 5 5600G। 2490 का ये हो गया आपका। और क्या बैटरी में 3 फैन चाहिए 2 फैन चाहिए? 3 फैन 3-4 फैन हो गए तो भी भाई RGB फैन तो 3-4 फैन का आ आजकल तो आपको पता है 3 आ गए तो 1 पीछे होता है। 4 फैन वाला चाहिए ना। 2450 प्लस 500 GB लेना ठीक है, ये 27,000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा बिना कार्ड का तुम्हें भाई। और कोई अगर तुम्हें 21,000-20,000 में सिस्टम दे रहा है ना तो उससे बोल की क्या क्या दे रहा दिखा दे पर्चा और सामान दिखा दे, अले यहाँ से फोटो खींच ले प्रोसेसर का भाई, वो घुमाने वाली बात नहीं है। ये लो 5600G के साथ और 5500 लोगे तो 5500 के साथ भी मैं दे सकता हूँ। अभी मैं 55 कैसे बन जाएगा? 36 है अगर लोगे कार्ड नहीं चाहिए वो तो बहुत ओवर कॉस्ट है ना। मेरे पास OEM कार्ड होता नहीं यार, नया कार्ड ले इधर देखो फोटो देखो पूरा लेना है तो ले लो। OEM प्रोसेसर B450 मदरबोर्ड MSI 16 GB रैम G-Scale ठीक है 500 GB NVMe क्रूशल RGB कैबिनेट वाइट 1660 सुपर यूज्ड और 500 वाट की पावर सप्लाई 4 फैन एंड का
12,000 रुपये का ग्राफिक कार्ड और 2,000 रुपये का PSU, ये पड़ेगा 3,400। GST पेड 34,800 रुपये का, गेमिंग या एडिटिंग दोनों। A few moments later. तो भाई क्या है ना, मैंने ना 4-5 जगह से कोटेशन लिए। एक है अपना ये जो है इसका है, ये कंप्यूटर गेमिंग स्टोर है, ये हमें 31,000 से गेमिंग पीसी बना के दे रहा है, ठीक है। और जो दूसरा स्टोर है वो है बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशन, ये मुझे 21,900 में पीसी बना के दे रहा है Ryzen 5 का। और बाकी एक फेमस दुकान है गेमिंग पीसी वाला, ये देख लो गेमिंग पीसी वाला है, ये हमारे ग्राफिक कार्ड से लगा के दे रहे हैं 36,000 का ग्राफिक कार्ड लगा के जा रहे हैं। और एक लास्ट बचा ये वाला, ये मुझे 5600 के साथ 2060 ग्राफिक कार्ड लगा के दे रहा है 31,500 में। तो मैं समझ नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ, मैं बिल्कुल दोबारा जा चुका है एकदम कन्फ्यूज में कि कहाँ पे किसका लुक किसका लुक, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बाकी थोड़ा अभी मैं वेट कर रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ कि किसका लेना चाहिए किसका नहीं। मेरे पापा से पूछा, पापा बोल रहे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही बात है। तो भाई अपन ना वहाँ पे बैठे हुए थे खाली, इसमें दिमाग चल रहा ना, तो एक भाई आया उन्होंने हमें पकड़ के ले गए, बोले भाई आओ तो मैं एक रेट देता हूँ। अच्छा तो उन्होंने ये रेट दिया, देखो ये इनका है टैग जंक्शन नाम है इनके शॉप का, तो उसी के लिए आए थे। तो उन्होंने ना मुझे 5600 के साथ पूरा PC करवाया विद मॉनिटर 29,000 रुपये बता रहे हैं। बाकी भाई मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, मैं किससे लूँ किससे लूँ कितने का लूँ, मुझे बहुत मतलब अपने 2 घंटे हो गए जब उन्हें घूमते हुए थक भी है और समझ नहीं आ रहा है क्या लूँ। अब मैं लास्ट ऑप्शन मुझे ये रहा कि मुझे गेमिंग पीसी वाले के पास जाना होगा, बाकी देखते हैं क्या होगा। चलो अभी आगे एक राउंड और घूम लेते हैं, क्या पता इससे कोई अच्छी डील मिल जाए। भाई वैसे वो चीज़ है ग्राफिक कार्ड वाला, पर ग्राफिक कार्ड मिल ही नहीं रहा कहीं से, भाई आगे देखते ठीक है। A few moments later. अपने ना PC से ले लिया गेमिंग पीसी वाला भाई, 16 GB की रैम भाई, भाई 16 GB की एक ही है क्या, दो लगवाने 8 GB की दो लगा एक चलेगी क्या। ये किसके में, ये मेरे में ही है, कुर्सल आए थे वो, लेकिन अपडेट करोगे कभी ऊपर अपडेट 16 से ऊपर जाओगे हो जाएगा, तो 16 सिंगल लगाओ, सिंगल लगाओ, चलो ठीक लगा दो ला दो। तो भाई PC अपना बिल्ड हो रहा है अपने का, थैंक यू भाई आपने मेरी वीडियो चलाई ठीक है और आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच के लिए। बाकी यहाँ ये हमारे बिन्ने भाई है, आई होप ये वाली जो वीडियो है ना आपकी, हाँ बहुत तंगड़े लेवल पे रीच करने वाली है, आई होप ऐसे ही हो तंगड़े लेवल पे रीच करेगी वाली। ना भाई से मैंने पीछे में आता, भाई ने बहुत अच्छी सर्विस दी, मतलब प्राइस भी आज सब ठीक थे। बाकी भाई मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर भाई के अच्छे अच्छे वाले वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये है बिगनर, मतलब बिगनर है तो बिगनर के लिए क्या है कि हर किसी का दायित्व बनना है बनता है कि भैया सपोर्ट करें, तो सपोर्ट करो यार, फुल सपोर्ट करो भाई, आपके सपोर्ट से बंदा कहाँ से कहाँ जा सकता है, बस ये वाली बात। ठीक है, थैंक यू भाई। और बाकी भाई की सभी कुछ लेके और अभी निकलते हैं यहाँ से, देखो पैक हो गया हमारा, PC हो गया भाई, गिफ्ट कहाँ वाला गिफ्ट तो बताओ भाई, अब सारे गिफ्ट करवा रहे हैं, देखो इधर रखेंगे। अच्छा ये गिफ्ट ये रखे हो भाई, बाहर है गिफ्ट थोड़े, तो बाकी भी थोड़ा भाई बिजी है, थोड़ा काम करके फिर हो गया। ठीक है ठीक है,
कैसी लगी आपको सर्विस इनकी? A few moments later. तो ये लो भैया, एक बार फिर से हमारे बिना भाई आ गए. बिना भाई कहाँ से हो यार? दिल्ली से भाई. और अपनी शॉप कैसी मिली? कौन बिना आ गया भाई? है? कौन बिना आ गया? अरे भाई बिना भाई. मैं कह रहा बिना भाई आ गए, बिना भाई खड़े हुए भाई. भाई इनका नाम भी बिना है. बिना भाई बहुत अच्छे लगते भाई, सीधे साधे लोग होते हैं भाई. सीधे साधे तो छोड़ो, इन्होंने सिस्टम मालूम क्या कौन सा रेडी कराया? कौन सा रेडी है? राइजन 5 5600G के साथ 16GB रैम, साथ में 22 इंच का मोनिटर है. ऐसे की बात करोगे, 4 फैन का कैबिनेट है, MSI का मदरबोर्ड है, 5GB की SSD है भाई. ये सारा सेटअप रेडी कराया 30,000 रूपए में यार. 30,000 में? भाई बजट नहीं दिया है. भाई पर दिया है 30,000 में. 30,000 रूपीज में रेडी कराया है. और 5 गिफ्ट भी है यार इनको. और ये देखो गिफ्ट में क्या है. एक तो हेडफोन इन्होंने 8GB वाला ले लिया भाई. ये साउंड वगैरह सुनाई चुका हूँ भैया को. वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों है. एंड एक भाई को मैंने जो है कीबोर्ड माउस दिया 8GB. एंड एक मालूम क्या दिया है, ये देखो क्या है, ये भी दे दिया भाई. एक इनको कीबोर्ड माउस दिया है जो 8GB का है. ये सारे गिफ्ट 30,000 रूपए के सामान के साथ. तो आप बिना भाई से ये जानते हैं शॉप कैसी लगी, मजा आया या नहीं आया. और अगर आया तो हमें फॉलो करने के लिए बोलेंगे या नहीं? भाई मुझे तो मजा आया, मतलब सुबह से ढूंढ रहा था यहाँ पे, कोई अच्छा रेट मिला नहीं मुझे. तो मैं सबसे पहले भाई के पास आता हूँ, लास्ट में भाई के पास जा रहा हूँ. बाकी रेटिंग वेटिंग अच्छी है और सर्विस बहुत अच्छे भाई की. अगर आप पीसी बिल रहा हो तो भाई के पास जरूर आओ यार. तुम्हारे चैनल का नाम क्या है भाई? मेरे चैनल का नाम है जोचीज ब्लॉग. तो क्या जोचीज ब्लॉग? जोचीज ब्लॉग ब्लॉग. तो भाई का चैनल है और भाई भी अपने लिए एक वीडियो बनवा रहे हैं. तो अगर इनके वाले वीडियो देखने तो इनके चैनल पे जाके देख लेना. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच वीडियो देखने का. थैंक यू. पैकिंग वैकिंग हो गई है भाई. बाकी ये भी देखो पैक कर रहा भाई. भाई की भी शक्ल लगा दे, दीपक भाई की. दीपक भाई शक्ल दिखा दे भाई. आप इन्हीं के अंदर काम कर रहे हैं? अच्छा भाई. बाकी भाई किस अभी जो बाहर के स्टाफ है ना, सीनियर उनका मैनेजर है. अच्छा है भाई, मैनेजर बाहर के. अरे वाह भाई, अंदर में 3 लोग काम करते हैं. तो भाई तुम भी हो क्या इनके अंदर? ये हमारे अंदर में. ओ भाई साहब, भाई निकाह तो, भाई निकाह तो हो ही जाएगा सबका भाई. अब जब तक तो मजे ले दो भाई को. भाई भाई बोल रहे हैं कि तुम्हारा निकाह हो जाएगा तब तो मजे नहीं ले पाओगे भाई. निकाह तो सबका होता है. देखा बस, निकाह सबको होता है. उसका भी निकाह होता है. असली मजे तो निकाह के बाद ही आएंगे. देख लो भाई, भाई तुम्हें बंदा बोल रहे. भाई तुम्हें बंदा बोल रहे भाई. A few moments later. तो भाई हमने ना पीसी वीसी बनवा लिया और हमें गिफ्ट गिफ्ट मिल गया. देखो ठीक है, गेमिंग पीसी वाले की तरफ से गिफ्ट, कुछ गिफ्ट मिले, 5 गिफ्ट है. और हम सुबह आए थे यहाँ पे और अभी रात हो गई है, 6:30 का टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया. अब हम जा रहे हैं घर, 7 बज गए. और पापा को लग रही है भूख बहुत है. पापा कितनी कितनी देर भूख लग रही है? पापा को बहुत भूख लगेगी भाई. सुबह से कुछ खाया हमने? हम ना घर से भूखे निकले थे. हमें लगा था 1.5 घंटे में काम हो जाएगा तो हम आ जाएंगे. और अभी देखो हमारे 1.5 घंटा अब हो रहा है. अभी अभी हम 6 घंटे हो गए हम बाहर निकले. अभी हम थोड़ा घूम रहे हैं, मतलब थोड़ा देखेंगे कोई चीज़ मिलेगी खाने के लिए तो खा ही लेंगे. मैं यहाँ पे मोमो से बस ये तो मान लियोगे. तुम क्या खाओगे? अरे सर सब बात छोड़ो, ये बताओ जो यहाँ पे गए थे वहाँ पे डील कैसे लगी आपको? बहुत बेस्ट बेस्ट भाई. मैं तो ये कहता हूँ जो भी आए यहीं से आके अपनी डीलिंग करे. मतलब भाई बिहेवियर अच्छा भाई का बिहेवियर बहुत प्यारा. बेचारे गिफ्टिंग अच्छी कर दी उन्होंने यार. मतलब ठीक है, अच्छी उनकी सर्विस बहुत अच्छी है. अगर आपको पीसी की जरूरत हो तो एक बार आना यहाँ पे विजिट करना. बाकी भाई ने ना सपोर्ट बहुत कर दिया है. उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया है अपने ओरिजिनल चैनल से. मतलब जो उनका गेमिंग पीसी वाला चैनल है ना, मेन चैनल, उनसे उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है. मेरा नया चैनल था तो इसी ये बात मुझे अच्छी लगी भाई की. मतलब ईगोस्टिक नहीं है भाई बिल्कुल भी. और बाकी चैनल सब बात छोड़ो, खत्म होते पीसी तो बन गया. अभी चलते घर और अभी थोड़ा कुछ खाने के ढूंढते. ठीक है, कैसे रहा खाने में? क्या क्या होता है सही से मुंह से बताऊं? क्या है ना, हमने सुबह से भूख गए थे ना, तो भाई भूख लगी थी बहुत तेज. पापा को लग रही थी तो पापा ने बर्गर लिया. फिर मैंने भी एक बर्गर लिया, पापा ने बर्गर लिया. भाई मेरा तो बर्गर तब बोला मुझे, मैं छोड़ दिया. पापा ने दोनों बर्गर खा लिया, पूरा फिनिश कर दिया. लगता है पापा को ज्यादा भूख लगी थी. हाँ पापा, तुम्हें कुछ ज्यादा भूख लग रही क्या? रखना पड़ेगा, पैसे खराब होंगे. इससे बढ़िया भैया खत्म कर लो. है क्या? चलो सही है. बाकी ज़्यादा खास टेस्ट लगा नहीं मुझे,
बर्गर इनका 20 रुपए का बर्गर था और 20 रुपए बिल्कुल कुछ इन्वेस्ट करें मेरे हिसाब से। बाकी जब ये दुकान है आएगी भाई इतनी देर से हम ना ऑटो की तलाश में थे, ऑटो मिला मिला नहीं हमें, फिर हमारा मूड खराब हुआ तो हमने कैब बुक कर दी। तो अभी हम कैब में तल्लकपुर छोड़ेंगे, मतलब हम ऑटो वाले बोले थे भाई तल्लकपुर चलोगे, सब मना करते भाई, और एक बंदे ने बोला था भाई चलेंगे, और उसके रेट इतने हाई फाई सुन के बोले ये क्या बोल रहे थे, मतलब दो तीन बार राउंड लगा देंगे इतना रेट बोल गया। मैंने चलो कोई बात तुम हटाओ अपन कैब से आएगी, फिर हमने कैब बुक किया कैब में, देखो अब घर जाए से ना ये बात भाई, फिर पीसी की अनबॉक्सिंग करेंगे ठीक है। अभी तक मैं चला है नहीं पीसी, सिर्फ देखा है आंखों से बस, और यूज़ नहीं है मेरे पहले, घर जाके चलाएंगे, घर जाके चलाएंगे। बात बात की मुझसे ज़्यादा खुश थे मेरे पापा है, पता नहीं क्यों क्यों खुश हो इतने, इसलिए खुश हूँ मेरे बाबू को, बहुत दिन में दिलवाया है, बहुत दिन से प्लानिंग थी हमारी, हाँ बहुत टाइम प्लानिंग थी, जाके सक्सेस हो गई है। खैर भाई मेरा ये फर्स्ट पीसी था जो मैंने आंखों के सामने खड़े होकर बिल्ड करवाया है, बाकी पहले मैंने पीसी खरीदी है, बिल लास्ट तक हुआ तो इसलिए ज़्यादा खुशी हो गई, हम दोनों की खुशी हो रही है। बाकी अभी घर जाके ना अनबॉक्सिंग यूट्यूब पर आएगी अलग से, ठीक है अनबॉक्स करेंगे फिर से गेम वेम खेलेंगे और फिर मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं बस, आगे क्या ही होगा कैब में अलग रहता है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर आप कंप्यूटर बिल्ड करना तो गेमिंग पीसी वाले के साइड आ सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी सर्विस है। बाकी ब्लॉग ये खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद जय भारत।